एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाव, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाव? आपने किया। जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है, करता हूँ भाव। देखना कोई देख तो नहीं? हाँ देख रहा हूँ ना। कांच से साफ करो। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाएगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कौन चोर? मैं चोर नहीं, पागल है क्या? मैं देख रहा था सब कुछ बराबर है कि नहीं घर में। सब बहाने तो मुझे नहीं, बाबूजी को सुनाना। पिछले तीन दिनों से तुम बाबूजी से छुप रहे हो। कौन छुप रहा है? मैं नहीं बिल्कुल छुप रहा। मैं जब भी आता हूँ रात को तो बाबूजी सोए पड़े रहते हैं, और जब सुबह काम पे जाता हूँ तो बाबूजी सोए पड़े रहते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे या नहीं बाबूजी? अच्छा अच्छा, मैं चलो मैं आता हूं। बेचारे बाबूजी ने मुझसे वादा किया था कि इस महीने की पेंशन से मुझे चूड़ीदार खरीद के देंगे। तुमने वो पैसे भी उनसे मांग लिए, बोला एक दिन में वापस लौटा दूंगा। पैसे भी गए और चूड़ीदार भी। तुम चलो बाबूजी के पास। चलो बाबूजी, ये रहा आपका मेंढक जो बारिश के बाद छुप गया था। चश्मा उतार क्यों दिया, लगा के रख। अपने बाबूजी को भी तो देखने दे कैसा लग रहा है। लगा। वाह खूब, ये छाता, ये बस्ता, ये चश्मा, क्या ये सब? सड़क के जोशी की तरह। वो एक तोता और खरीद लो, सड़क पर बैठ जाओ, जितना कमाते हो उससे ज्यादा कमाओगे। ये बोल के कि तू मुझे एक घंटे बाद पैसे लौटा देगा, तू पैसे लेकर गया। 5 दिन हो गए हैं, ना पैसा नजर आया ना तू। वो जो म्युनिसिपैलिटी, वो जो चेक है, वो पैसे भी गए। लेकिन आप मुझे निकम्मा मत समझिए। आज नहीं तो कल ये सचिन टिचकुले बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन के दिखाएगा, और बाबूजी उसके लिए मैंने सारी चलाकियां सीख ली हैं। तुझे सीखने की जरूरत नहीं है, भगवान ने ये खूबियां तुझे पैदाइशी बख्शी हैं। पिछले शनिवार से मेरी राशि बदल चुकी है बाबूजी। अब आप मुझे एक के बाद एक तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखोगे। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का रोड रोलर, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का कंस्ट्रक्शन, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का ट्रक, ये सारी चीजें घर के सामने रखने के लिए हमारे पास जगह तक नहीं होगी बाबूजी, पता आपको? तू मुझ पर एक एहसान करेगा? बोलो, आप जो बोलोगे करूंगा मैं। 2 टिचकुले में से मेरा टिचकुले निकाल दे। लोग जितनी गालियां तुझे दे रहे हैं उसमें मैं भागीदारी नहीं चाहता हूं। लेकिन बाबूजी, एक दिन आपको मुझे पे गर्व होगा। निकल यहां से। धोती तो छोड़ दे। अब और क्या? वो 100 रुपये और मिलेगा, शाम को लौटा दूंगा। ये भूतनी का नहीं सुधरने वाला। अरे उधर जाके देखो, देखो लड़के वाले किसी वक्त भी यहाँ आ जाएंगे। हाँ हाँ। सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ हाँ, सब तैयार है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, 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 नहीं। लगता है वो लोग आ गए। हाँ हाँ, चलाने को क्या होता है तेरे को? सेठ जी, किधर है लड़का? अबे वापस ले जा हार, दिखता नहीं अंधा है क्या? ये हराम को टिच को लेके सड़क साफ मजदूर है, चल अंदर। एक काम करो, तुम लोग सामान उतारो और अंदर लेके आओ। ए तू गाड़ी लेके जा, भाड़े का पैसा बाद में लेना, चल बाद में दूंगा, चल।
आराम से आराम से। आज घर में मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है, जरा तुम्हारा ये पेंट पॉलिश कम ये संभाल के मारना, इधर उधर गिरना नहीं। बिल्कुल नहीं गिरेगा। और इस काम को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 दिन लग जाएंगे। 5 दिन? तू काम कर, चल चल। देखो भाई जी, सर जी घर में दुनिया भर के कीमती चीजें पड़ी हैं, जरा संभाल। सर जी मेरे पास दुनिया भर के सबसे बेहतरीन मजदूर है, वो हमेशा संभाल के काम करते। चुप रे, चुप। सर जी सॉरी, सर जी वो संभाल के काम करेंगे। अबे क्या तोड़ा बोतल, तेरा सत्यानाश हो। क्या करूँ, कोके का निचला हिस्सा फट गया। अब मैं तेरी फाड़ दूंगा साले। क्या दुकानदार से भीख मांग मांग के मैंने 3 बोतल ली थी पॉलिश की। अब क्या करेंगे? सर जी आ गए। कौन आ गए? लड़के वाले आ गए। अरे अरे जल्दी कार साफ कर, जल्दी कर, एक रुकना नहीं रहना चाहिए, साफ कर। कह रहे क्या बोला तू? 5 दिन, 5 दिन का खर्चा होगा, तेरे बाप के घर से निकलेगा, 2 दिन के अंदर काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। ये मेरे पूजने पिताजी की तस्वीर है, मेरी हर सुबह रोज इनको प्रणाम करने से शुरू होती है। ये तस्वीर बंगाल के मशहूर चित्रकार सुदीप जैन ने बनाई थी, उस जमाने में 1,00,000 रुपया दिया था इस तस्वीर का हमने, आज तो इसकी क्या वैल्यू है जी, है? अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। हे देवा मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, तोड़ दी मेरी घड़ी, तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन आ रहा हूँ सेठ। अरे इधर आ, देख ये क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। घड़ी? ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। आ, 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 भाव बच गए, महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए जरा वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। हाँ आया आया। ए चिंतन इसको छोड़ना नहीं, गेट कीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाऊ, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ? आपने किया। जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है करता हूँ भाऊ, देखना कोई देख तो नहीं? हाँ देख रहा हूँ ना। कहाँ से क्या से साफ करूँ? जल्दी कर जल्दी कर। अब जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर जल्दी कर, कोई आ जाएगा। जल्दी कर जल्दी कर। अरे क्या हुआ? इसने रंग फेंक कर सारी मिठाइयां खराब कर दी, और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई, होली है। बुरा ना मानो होली। हराम खोरो, तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे। हराम खोरो। क्या हुआ? इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे अरे इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कराओ। यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। सेठ जी रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयां गई भाड़ में। अरे तुम मेरी बेटी को तैयार करो ना सासे जी। चलो ऐसे आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए। उल्लू का चरखा। पैसा चाहिए। किस लिए? अभी इसको अस्पताल में ठूसना पड़ेगा ना। 3-4 करोड़ जेब में दूं तेरे को? दूं अंदर से निकाल के? साले उसको उठा के बाहर फुटपाथ पे फेंक दे, समझे? म्युनिसिपैलिटी गाड़ी उठा के ले जाएगी, नहीं तो उसका अंतिम संस्कार का खर्चा भी मेरे को ही देना पड़ेगा। चल चल। रोक 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 रोक। ये ले बासमती चावल, 2-3 दिन चला लेना। लाए तो 1 हफ्ते का ही खरीद लाते। अरे खरीदा नहीं है, घर से चुरा के लाया हूँ। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है पेपर में। शिल्पा शेट्टी का लगन हो गया भाऊ। तो हम लोग क्यों रोए? वो उसकी तकदीर है, तू काम कर जाके। चल शिल्पा शेट्टी का ब्याह हो गया है। कैसा चल रहा सब कुछ? दाल चावल तो है भाऊ, पर पकाने की जगह कहाँ है? वो भी मैं ही ढूंढू, दल्ला हूँ गाँव का। अरे उस घर में जगह है पकाने के लिए, लेकिन उधर की हिडिम्बा मना कर रही है। फिकर मत करो। हाँ मैं पटाता हूँ उसको। अरे वो नहीं पटेगी,
दिखाऊं? दिखाओ। जी नमस्ते। आपने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन आपने सुना होगा मेरा नाम सचिन, सचिन के बारे में। सचिन तेंदुलकर? नहीं नहीं, तेंदुलकर नहीं, सचिन टिचकुले, टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी का मालिक। वो म्युनिसिपैलिटी का बस स्टॉप जो है 30 लाख का मेरी कंपनी ने बनाया। सत्यम हाउसिंग कॉलोनी 100 करोड़ की, वो भी मेरी कंपनी ने बनाया। टिचकुले एंड टिचकुले कंपनी वर्ल्ड फेमस है। ओ, ठेकेदार। हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं बनवाना है। जी मैं काम मांगने नहीं आया हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मेरे पास तो इतना काम है, इतना काम है कि वो करने के लिए मेरे पास मजदूर कम पड़ रहे हैं। तो मैं तुम्हें क्या मजदूर दिखती हूँ? नहीं नहीं दीदी, क्या है मैं अपने मजदूरों का बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरे मजदूर मेरे भगवान जैसे, सारा दिन मेहनत करते रहते, अगर सही वक्त पर उनको खाना नहीं मिले तो बेचारे थक हार के टूट जाएंगे। दाल चावल बिल्कुल तैयार है, बस दीदी इतनी सी जगह चाहिए आपके घर में पकाने के लिए, बस इतनी सी जगह। पर मेरे मैनेजर ने बताया आपने उनको मना कर दिया। मुझे मेरे पति से पूछना होगा। दीदी आप मुझे अपना देवर समझिए, खाली एक दो दिन की बात है, मजदूरों का भला हो जाएगा, आपको दुआएं देंगे। प्लीज दीदी, दीदी मैं आपको मेरी कसम है। ठीक है ठीक है, लेकिन ये काम फटाफट हो जाना चाहिए। अरे दाल खिचड़ी बनाने में कितना वक्त लगता है दीदी, फटाफट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं, आई शपथ। अच्छा बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बस दया चाहिए। रंगीले, तूने नमक नहीं खरीदा? भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के, मेरे को क्या करने का है? ए ले रे। ए, खाली नमक चाहिए ना? हाँ अभी लाके देता हूँ। जल्दी लाके दे। बेंजी थोड़ा सा नमक, वो लाना भूल गया। चाय रखिए। हाँ थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर, पानी उबाल। बंदर क्या जाने आता है। ये लो। कचरा कितना है। दादा तेरी माँ बहने नाती है, वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? नहीं, साले इसको घर में किसने घुसने दिया? अरे भैया खाना पकाने के लिए। अब मैं उसको पकाता हूँ साले कुत्ते। रामजादे रामजादा साला आज तेरे माँ का रुख साले, साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। कमीने साले।